परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम मनन करेंगे यूहन्ना का सुसमाचार में से। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 का 44 से लेकर 50 तक। यीशु ने पुकारा कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वालों को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत की दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहरने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वो पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बात नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आगे अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है, यीशु जो है, वो एक भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, भीड़ के सामने पुकार रहे हैं, चिल्ला कर बोल रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु ने भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए शायद जोर जोर से पुकारा होगा, चिल्लाया होगा। जब वो उनसे एक आखिरी अपील करता है, परमेश्वर जो है उनसे आखिरी अपील करता है कि वे उस पर विश्वास करें। यीशु पर विश्वास करने का अर्थ उस पिता पर विश्वास करना है जिसने मसीह को भेजा है। यह परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र की एकता पर जोर यहाँ पे दे रहे हैं, जोर देते हैं। आप और हम ये नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी समय यीशु मसीह का अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यीशु पिता परमेश्वर के बराबर है और आप पिता को प्राप्त करके परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार नहीं कर सकते। या तो आप पुत्र को स्वीकार करके पिता परमेश्वर को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं खुला, ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है कि एक को स्वीकार करें एक को स्वीकार न करें। मसीह में विश्वास करना पिता में विश्वास करना है, मसीह में विश्वास करना पिता पर विश्वास करना है, मसीह को जानना पिता को जानना है, मसीह में प्रेम करना पिता से प्रेम करना है, परमेश्वर ग्रहण करना ही पिता को प्राप्त करना है। यदि यीशु आपको उद्धारकर्ता नहीं है तो परमेश्वर आपका पिता नहीं है। मसीह और पिता एक है। शायद हमें ये याद भी दिला सकता है कि यीशु का दुनिया में आना उनकी अपनी पहल पर नहीं था, ये अपनी मर्जी से नहीं। परमेश्वर यीशु पर विश्वास विश्वास करना है कि पिता ने यीशु को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजा था। बहुत से लोग हमारे में से अलग ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं, गलत तरीके से विश्वास करते हैं कि यीशु एक प्यारा पुत्र है जिसने हमें क्रोधित पिता से बचाया है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। पिता ने पुत्र को बचाने के लिए भेजा, इसका अर्थ है कि पिता और पुत्र दोनों यहाँ मौजूद हैं। यीशु समझाते हैं, जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है।
जब कोई व्यक्ति यीशु को देखता है वो तो वो पिता को देखता है। उसने उसे भेजा है क्योंकि मसीह पूरी तरह से अपने पिता के प्रतिबंध करता है क्योंकि वह सार में समान है। जो मसीह में विश्वास करता है वो करने वाला को अनंत जीवन देने का सक्षम परमेश्वर रखते हैं। इसलिए एक को देखना उस पर विश्वास करना, दूसरे को देखना और उस पर विश्वास करना है। हम परमेश्वर को देखते यीशु मसीह को देखते हैं तो हम पिता को देख सकते हैं क्योंकि हम यीशु के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यीशु यहाँ विश्वास होने का दावा कर रहा है। यदि वे उसे देखते हैं और उस पर विश्वास करें तो वो उन्हें अनंत जीवन देने में दे सकते हैं। तब यहाँ मसीह कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझे विश्वास करे अंधकार में ना रहे। मसीह दुनिया में प्रकाश के रूप में आया था ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे अंधकार में ना रहे। यदि हम ये बात को सच मानते हैं तो जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे अब ज्योति के पुत्र हैं और अब वे अंधकार और अंत मृत्यु के राज्य का हिस्सा नहीं है। उनसे अंधकार और जो मृत्यु है वो हट चुका है। मसीह दुनिया में आया ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके परमेश्वर के साथ एक संगति हो, एक फेलोशिप बने, पर एक संगति बन जाए। अंधेरे में रहना और प्रभु से अलग होना विश्वासियों से परमेश्वर के साथ संगति से बाहर नहीं रहना बाहर रहना होता है। अंधेरे में रहना मतलब प्रभु से संगति से हटके रहना, अलग बाहर रहना। ऐसा ना हो कि अंधेरा तुम पर एक हावी हो जाए। जो अंधेरे में चलता है वह नहीं जानता कि वो किधर जा रहा है, कौन से रास्ते पर जा रहा है। वो इधर उधर भटकते रहता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति के संतान बन सको। हमें अंधेरे में नहीं रहना, अंधेरे में भटकते नहीं रहना क्योंकि हमें परमेश्वर हमें कह रहे हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में ना रहे। तो हमें विश्वास अगर परमेश्वर में करेंगे तो यहाँ हमारे सामने जो अंधकार है वो हट जाएगा, छुप जाएगा अंधकार। जो भी हमारे जीवन में चीज़ें अंधकार में जा चुकी है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी नौकरी है, संपत्ति है, वो इस चीज़ का रास्ता परमेश्वर खोलने में सक्षम है अगर हम परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि वो ज्योति है और तभी हम ज्योति का पुत्र बन सकते हैं। और यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी ना ठहराता क्योंकि मैं जगत का न्याय करने नहीं परंतु जगत का उद्धार करने आया हूं। यदि कोई व्यक्ति मसीह का संदेश को सुनता है और उस पर विश्वास नहीं करता तो यीशु कहते हैं कि वो उसका न्याय नहीं करेगा क्योंकि वह दुनिया को न्याय करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए आया था। यीशु उन लोगों को निंदा नहीं करेगा जो उस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं क्योंकि वो अपने अनुग्रह से पापियों को बचाया था। परमेश्वर पर स्पष्ट कहते हैं कि जो मुझे अस्वीकार करता है और मेरे वचनों की ग्रहण नहीं करता उसके पास उस दोषी ठहराने वाला है जो वचन में कहा है वंती दिन
में उसका न्याय करेगा। लेकिन आखिरी दिन में मसीह का संदेश उन लोगों को निंदा करेगा जिन्होंने उस पर विश्वास करने को इनकार किया है। यदि कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो इसलिए नहीं कि यीशु ने उसको अस्वीकार किया, बल्कि इसलिए कि उस व्यक्ति ने मसीह को अस्वीकार किया है। परमेश्वर कभी दोषी नहीं दे दोष वो कभी दोष न्याय नहीं करते। परमेश्वर कभी दोषी नहीं बनाते, पर परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम उसके रास्ते पर चलें, उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर की बातों जो परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जो पुत्र को संदेश देकर भेजा है उस पर हम उसकी बातों को मान लें, उसकी बातों को अस्वीकार ना करें। ये हमारे लिए दी गई है और हमें इस पर विश्वास इस बात पर विश्वास करना हमारा एक फर्ज है। हम अगर इस बातों को विश्वास नहीं करेंगे इस बातों को हम जज करते रहेंगे या तो नकारते रहेंगे, तो लास्ट में हमको शायद परमेश्वर नहीं बचा सकते। उसके लिए हमको अपना मन फिराना ज़रूरी है। यीशु कैसे कह सकते हैं कि उनका वचन अंतिम दिन लोगों को उपयोग न्याय करेगा? क्योंकि मैं अपने ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ। वह ऐसा इसलिए कह सकता है क्योंकि उसका संदेश उसकी ओर से नहीं बल्कि उसके पिता की ओर से आया है। यदि किसी को यीशु की शिक्षा से कोई समस्या है तो उसकी समस्या परमेश्वर पिता से है, क्योंकि उसने यीशु को बताया है कि क्या करना है। मसीह पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर है क्योंकि क्या सिखाना है। उसके पिता ने उसे आज्ञा दी है क्या कहना है, और मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है। अगर अनंत जीवन पाना है तो इसके बाद पर हमें विश्वास करना है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। परमेश्वर कहता यूहन्ना का 12:50 में परमेश्वर वचन कहता है, मसीह जानते हैं कि उसके पिता की आज्ञा अनंत जीवन है। परमेश्वर पिता ने यीशु को जो कहने की आज्ञा दी थी उसका परिणाम उन लोगों के लिए अनंत जीवन था। अगर हम ग्रहण करते हैं कि पिता ही परमेश्वर है और उसकी बातों उसकी दी गई बातें विश्वास करते हैं तो हमारे लिए परिणाम है कि हम अनंत जीवन में जाएंगे। इसलिए मसीह जैसे पिता ने कहा है वैसा ही बोलने के लिए बहुत बहुत सावधान था। मसीह की शिक्षा एक अनंत जीवन की ओर ले जाती है। अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करने के लिए हमें बुलाता है, हमें उसकी बातों को सीखने के लिए हमें परमेश्वर कहते हैं। यीशु संसार में संसार की निंदा करने के लिए नहीं बल्कि अपने अनुग्रह से संसार को बचाना आया है। इतने सारे अविश्वासी सोचते हैं कि ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो क्या 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 करे और क्या ना करे पर भरा हुआ है, क्या खाओ क्या पियो और ऐसा करने। मसीह संसार में हमारी निंदा करने नहीं आया पर वह हमें संसार से बचाने आया है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया है, हमें नरक में जाने के लिए नहीं, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है अगर हम विश्वास करें। एक एग्जांपल जैसे देखता हूँ
कि एक नदी की एक बड़ी विशाल नदी है, उसके ऊपर एक विशाल बाज उड़ रहा है, उसके बड़े पंख हैं और उसे उड़ा रहे हैं। जैसे ही वह शिकार की तलाश में चुपचाप ऊपर उड़ता है, वह नीचे नदी पर देखता है। वहाँ एक बर्फ के ऊपर एक पक्षी का शव मिलता है। वो उसे झुपट्टा मारने के लिए नीचे जाता है, फिर वो नीचे खाता है उस पक्षी को। जैसे ही वो खाता है तो वो बर्फ का टुकड़ा समुद्र वहाँ पे नदी बड़ी हो जाती है। वो देखता है कि नदी की चौड़ाई बढ़ रही है, लेकिन वो जल्दबाजी में खाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने भोजन पर इतना करता है इंतजार करता है कि वो बर्फ अभी उस नदी से गिरेगा। वो नदी खत्म होने वाली, तो वो नदी तो जैसे ही वो बर्फ अपने कोने जैसे ही वो बर्फ नदी के कोने में पहुंचता है, जहाँ पे वो झरने में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे अपना नदी विशाल रूप लेती है, तो वो सोचता है कि मैं उड़ जाऊँगा यहाँ से अपना भोजन खाके। पर वो उड़ने की ट्राई करता है, तो उसका पंख पानी में बर्फ में फंस जाता है, जम जाता है, तो उड़ नहीं पाता। वैसे ही हमें भी अपनी देरी नहीं करनी। हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल स्वीकार कर लेंगे, कल परमेश्वर की बात को मानेंगे, अभी बहुत टाइम बचा है। तो ऐसे करते करते हम करते समय आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें आज ही परमेश्वर की बातों पे हमें इसकी बातों पे चलना है, इसकी बातों पे विश्वास करना है कि परमेश्वर जो होती है उसका पुत्र भी बनना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अंधकार में नहीं, पर हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, हमें पिता परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर पर विश्वास करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सामने एक विशाल अंधेरा छाया है, पर इसका उजाला परमेश्वर हमें दे सकते हैं। उस उजाले से हमें निकाल सकते उस अंधकार से हमें निकालने में सक्षम है वो। हमें अनंत जीवन का चाहिए तो हम विश्वास के द्वारा वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे लिए वचन दिए गए हैं उस पर हम मनन करेंगे, तभी हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने अंधकार छोड़कर, जो भी हम दुनियादारी में फंसे हैं, दुनियादारी की चीज़ों पे हम अपने जरूरत का सामान बना देते हैं, दुनियादारी चीज़ों को, उसे हट कर आज कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वैसा नहीं कि आज ही हमें उस पर ग्रहण करना है, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस चीज़ों पे परमेश्वर में मदद करें, हमें क्या नहीं करना, कौन से रास्ते पे जाना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हमें चुनने में मदद करें। जो चीज़ें हमें रोकती है वो चीज़ें जो परमेश्वर के साथ करीब जाने में हमें जो चीज़ें रोकती है, वो चीज़ों को हमें छोड़ के परमेश्वर के जा पाए, हमसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे सामने अंधकार छाया है, वो अंधकार में हम ज्योति बन के परमेश्वर विश्वास करके वो ज्योति उस अंधकार पर भारी पड़े और हम उस ज्योति के पुत्र बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।